नमस्कार, इंडिया लैब न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि भारत में कोविड 19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। मंत्रालय ने बताया कि कर्नाटक में 66 वर्षीय शख्स और 46 वर्षीय अन्य शख्स में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। WHO के अनुसार ओमिक्रॉन अत्यधिक जोखिम वाला वेरिएंट है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा यात्रा नियमों में बदलाव करने के लिए कहने के बाद महाराष्ट्र ने कहा है कि कोविड 19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच अब सिर्फ 6 अधिक जोखिम वाले देशों से आगमन पर यात्रियों को 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। ये देश दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, लेसोथो, जिम्बाब्वे और एस्वातिनी हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने उंगली के रिलीज के 7 साल पूरे होने पर उसका पोस्टर ट्वीट किया, जिसमें फिल्म का हिस्सा रही कंगना रनौत नहीं दिख रही है। एक ट्विटर यूजर ने कहा, कंगना को क्रॉप कर दिया गया है, कुछ तो शर्म करो करण जौहर। पोस्टर में इमरान हाशमी, रणदीप हुड्डा समेत अन्य एक्टर दिख रहे हैं। गॉडफादर ऑफ ब्लैक म्यूजिक क्लारेंस एवांट की पत्नी जैकलीन एवांट की लॉस एंजलिस स्थित उनके घर में एक हमले में लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। स्थानीय पुलिस ने कहा कि उन्हें बुधवार तड़के 2:23 पर गोलीबारी की सूचना मिली। ऑनलाइन सामने आई तस्वीरों में घर के पीछे के हिस्से के स्लाइडिंग दरवाजे टूटे हुए दिख रहे हैं। मिर्जापुर 2 में मुन्ना भैया का किरदार निभाने वाले एक्टर दिव्येंदु ने बताया कि एक्टर ब्रह्मा मिश्रा का निधन हो गया है। दिव्येंदु ने इंस्टाग्राम पर ब्रह्मा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हमारा ललित अब नहीं रहा है, आइए उनके लिए प्रार्थना करें। ब्रह्मा मिर्जापुर के अलावा केसरी, मांझी द माउंटेन मैन और कई अन्य फिल्मों में काम कर चुके हैं। इंफोसिस के सह संस्थापक और चेयरमैन नंदन निलेकणी ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग वित्तीय समावेश के लिए हो सकता है। उन्होंने कहा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को सभी नियमों का पालन करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक अतिरिक्त साधन न बन जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा की तैयारी वाले बयान पर गुरुवार को कहा, हिंदू मुस्लिम राजनीति से जनता सावधान रहे। उन्होंने कहा, मौर्य द्वारा विधानसभा चुनाव के नजदीक दिया गया अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। वाला बयान भाजपा की हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को ट्वीट किया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले के अपने मास्को दौरे के दौरान राष्ट्रगान भूल गए थे? उन्होंने ABP न्यूज चैनल पर 23 दिसंबर 2015 को प्रसारित हुए 2:42 के वीडियो का लिंक शेयर कर लिखा, क्या रूस के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में याद दिलाना पड़ा था? कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने गुरुवार को कहा कि वो लागत में वृद्धि के चलते जनवरी 2022 से अपने वाहनों के दाम बढ़ाएगी। मारुति ने कहा कि कंपनी के लिए अनिवार्य हो गया है कि कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए ग्राहकों पर अतिरिक्त लागत का कुछ प्रभाव डाला जाए। बकौल कंपनी, विभिन्न मॉडलों के लिए अलग अलग मूल्य वृद्धि होगी। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अब UPA कुछ नहीं है बयान के बाद कहा है, जब कांग्रेस पिछले 10 वर्षों में 90% चुनाव हार चुकी है तो उसका नेतृत्व किसी एक व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं है। किशोर ने कहा, लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष का नेतृत्व तय होना चाहिए। यूपी के मथुरा में कथावाचक देव मुरारी बापू को एक महिला ने छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी, जिसका वीडियो सामने आया है। महिला ने देव मुरारी पर 10 लाख रुपए की जबरन वसूली का भी आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने बुधवार को एक बयान में कहा, हम UPA के तहत गिरफ्तारी किए गए कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी को लेकर बहुत चिंतित हैं। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, यह बयान आधारहीन है। हम OSCHR से आग्रह करते हैं कि वो आतंकवाद और मानवाधिकार को लेकर अपनी समझ और बेहतर करें। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो विधानसभा परिसर में सुरक्षा कर्मियों पर गुस्सा होते हुए कह रहे हैं, हम सरकार हैं, बदतमीजी करते हो तुम लोग। मिश्रा ने कहा, इनके SDM व DM आते हैं तो ये मंत्री को रोककर खड़ा कर देते हैं, ये अधिकारी हैं यहाँ, इनका निलंबन होगा तभी मैं सदन में जाऊंगा।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा देखते हुए अमेरिका बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने को तैयार है। उन्होंने कहा, हम कड़ाई से जवाब देंगे, इसमें बड़े असर डालने वाले आर्थिक कदम भी हैं जिन्हें अतीत में उठाने से हमने परहेज किया। बकौल ब्लिंकन, हम यूक्रेन से भी संयम बरतने का अनुरोध कर रहे हैं। वाल्ट डिज्नी ने अपने 98 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक महिला को चेयरमैन नियुक्त किया है। 14 वर्ष से कंपनी के बोर्ड की सदस्य सूजन ऑर्नॉल्ड 31 दिसंबर को मौजूदा चेयरमैन बॉब आइगर का स्थान लेंगी। आइगर ने पिछले साल सीईओ के पद से इस्तीफा दिया था और इस साल के अंत में वो कंपनी छोड़ देंगे। वित्तीय सेवा कंपनी स्क्वायर ने 10 दिसंबर से अपना कॉरपोरेट नाम बदलकर ब्लॉक करने की घोषणा की है। कंपनी के सह संस्थापक जैक डॉर्सी के ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद ही ये घोषणा हुई है। नाम में बदलाव का लक्ष्य कैश ऐप, टीबीडी और स्क्वायर जैसे प्रोडक्ट को एक ब्रांड के अंदर लाना है। संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने बुधवार को महिंद्रा ग्रुप की 75वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी की। इसे लेकर ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा, हमारे संस्थापकों ने देश की सेवा के लिए कंपनी शुरू की थी और मुझे विश्वास है कि आज वो जहां भी होंगे गर्व से मुस्कुरा रहे होंगे।